दिस इज सोनम शर्मा। आज मैं आपको बताऊंगी कि हम किसी को अपने वश में कैसे कर सकते हैं, वशीकरण कैसे कर सकते हैं किसी का। कितना अजीब सा नहीं लगता वशीकरण, नाम भी कितना डरावना है, वशीकरण करना, वाओ इंटरेस्टिंग टॉपिक है। वैसे तो मैं बताना चाहूंगी कि आपको वशीकरण करते कैसे हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं बता दूंगी, वशीकरण जो लोग करते हैं ना, ये कह लो कि वो सड़क पे जो बैठे होते हैं ना, या फिर जिनकी सोच थोड़ी डाउन सी होती है, वो करते हैं वशीकरण। वशीकरण इन दी सेंस, इसका मेन मीनिंग क्या रहा, वशीकरण किसी को अपने वश में करना, यानी कि जैसे मोस्टली तो लड़कियां या लड़के एक दूसरे को ऐसे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाइफ हस्बैंड ऐसे वश में करते हैं, जहां तक मेरे पास केसेस आते हैं। तो मैं आपको यही बोलती हूँ कि वश में क्यों करना किसी को, जबरदस्ती पाना। मैं हूँ किसी से प्यार करती हूँ, वो मुझसे प्यार नहीं करता, तो मैं क्या उसे जबरदस्ती पाऊं, जबरदस्ती उसको पाऊं, क्या उसका प्यार पा सकती हूँ? नहीं, बिल्कुल भी नहीं पा सकती। और जो कि ये बिल्कुल सरासर गलत है। अगर आपका प्यार सच्चा है तो सामने वाला खुद चलकर आएगा आपके आस पास, उसको आपको हिप्नोटाइज करके बुलाने की जरूरत नहीं है। चलो मान लिया वशीकरण हो गया, आपने करवा लिया, वो आ गया, अब वो आपके पास बैठा है, लेकिन दिल उसका कहीं और है, क्या आपको ये मंजूर होगा? अब क्या आप कहोगे, उसका दिमाग तो हमने वश में कर लिया, आप उसका दिल वश में कर सकते हो? नहीं, सॉरी, क्योंकि दिल पे कभी किसी का जोर नहीं है। दिल पे तो हमारा खुद का जोर नहीं है, हमारे दिल पे हमारे खुद का जोर नहीं है, तो हम किसी और के दिल पर जोर क्यों करें, क्यों कब्जा करें? फ्रेंड्स, वशीकरण ये सब चीजें सब आलतू फालतू की हैं। अब मैंने बोला कि मैं आपको सिखाऊंगी कि कैसे करते हैं वशीकरण, कितना इंटरेस्टिंग टॉपिक नहीं लगा? लेकिन हाँ, वशीकरण ना सही, आप खुद को एक वशीकरण की चीज क्यों नहीं बना लेते? जैसे कि आप क्या चाहते हैं कि वो पर्सन आपसे अट्रैक्ट हो, राइट? आपका सोलमेट है, आपका ट्विन फ्लेम है, आपका लवर है, आपका बॉयफ्रेंड है, आपकी गर्लफ्रेंड है, आपकी वाइफ है, आपका हस्बैंड है, तो आप अपने अंदर एक मैग्नेट क्यों नहीं पैदा करते हो? ऐसा मैग्नेट जो सिर्फ और सिर्फ प्यार से भरा हो और वो सामने वाला मजबूर हो जाए आपके पास आने के लिए, सिर्फ और सिर्फ आपकी अहमियत को समझे, ना कि आप उसको वश में करो। ये होती है नेचुरल चीजें। हम कहते हैं ना, जैसे कि एज अ फीमेल, अगर मैं कोई ब्यूटी प्रोडक्ट लेने गई हूँ तो एक केमिकल वाला प्रोडक्ट पड़ा है और एक हर्बल की लिपस्टिक पड़ी है, तो मैं केमिकल वाली लिपस्टिक को यूज करने से ज्यादा बेटर समझूंगी हर्बल वाली लिपस्टिक, राइट? एक तो वो ज्यादा टाइम चलेगी और उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं। सेम यही चीज है जब हम कभी किसी का वशीकरण करते हैं, दैट टाइम वो ब्लैक मैजिक हो चाहे या फिर वशीकरण हो, उस वक्त के लिए तो वो आपको इफेक्टिव लगेगा कि आज किया और एक हफ्ते में, एक दिन में, या पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, एक घंटे में भी, जैसे पासपोर्ट साइज फोटो निकालनी हो तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स, जरा ध्यान दीजिए, ये केमिकल वाला नहीं लोचा लगा, आज आपको फायदा मिला लेकिन एक महीने बाद, एक साल बाद उस चीज का 100% उसका साइड इफेक्ट आपको मिलेगा, आप ही को नहीं, आपके पार्टनर को भी मिलेगा। सेकंड मोर थिंग, अगर आप हर्बल प्रोडक्ट यूज करते हैं, लाइक अपने आप को मैग्नेट बना लेते हैं ऐसा कि सामने वाला कोई भी हो आपके पास आने को मजबूर हो जाए, उसके अंदर प्यार पैदा हो जाए आपके लिए, कुछ ज्यादा अच्छा नहीं है? एक नेचुरल चीज, एक गॉड गिफ्टेड चीज, एक हर्बल प्रोडक्ट आप यूज कीजिए, क्यों केमिकल्स पे जाना? तो फ्रेंड्स, मेरा मोटिव यही था समझाना कि अगर आपको किसी को वश में करना है ना, तो पहले खुद को अपने वश में करो, अपनी चेतना को अपने वश में करो, अपने मन को अपने वश में करो, अपने खुद को अपने वश में करो। क्यों किसी को किडनैप करना, किसी के माइंड को किडनैप करना? ऊपर से आप अपने लाखों रुपए खर्च करते हो यार, अपने ऊपर लाखों रुपए खर्च कर लो, अच्छा लगेगा? तो फ्रेंड्स, इस घटिया सोच से आगे बढ़ना है और हर्बल प्रोडक्ट्स को यूज करिए जो कि 100% नेचुरल हैं, गॉड गिफ्टेड हैं, भगवान ने इतनी अच्छी अच्छी चीजें बनाई हैं, उन्हें यूज कीजिए ना अपने ऊपर। फोकस ऑन योरसेल्फ, फेथ ऑन योरसेल्फ, देखिए आपका प्यार कैसे ही भागा 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 आता है। गारंटी देती हूँ आएगा, आपका प्यार जरूर आएगा आपके पास। फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए, बाय।